शाहनवाज की मसरूफियत कुछ ज़्यादा ही हो गई है। काफ़ी दिनों से ना शाहनवाज आया और ना ही शाजिया। शाजिया आप ही को फ़ोन किया था, वो कह रही थी कई दिन से दुल्हा भाई काफ़ी मसरूफ हैं। मेरे दिल से तो शाहनवाज के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। अंकल तो अभी तक यहीं बैठा है? हाँ, मुझे तो लगा था तूने घर खाली कर दिया होगा। लाया हमको दे दे, मुझे कहा था ना घर खाली कर। बड़े ढीठ हो तुम लोग। बेटा बाहर चल के बात कर लेते ना, मुनासिब नहीं है ये जगह इस बात के लिए। बात करने नहीं आया मैं, लगता है तुझे मेरी पिछली मुलाकात याद नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना घर खाली करवा देना, वरना सामान उठाकर फेंक दूंगा। माहम आपी। मुझे समझा दे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको। हाँ पहले इसको सब्स्टिट्यूट करोगी ना, फिर मल्टीप्लाई करोगी। हाँ लेकिन छोड़ दो, बड़ी मेहनत से बनाया ये सारा घर, नहीं कर सकते तुम लोग ऐसा। ये शोर कैसा है? मम्मी की आवाज लग रही है। चीख क्यों रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग बेटे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बंद करो, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने ये घर। कोबे नहीं कर सकते ऐसा, छोड़ दो। छोड़ो बेटा, क्या कर रहे हो, बाहर चल के बात कर लो। ए, तो देखना माहम तुम क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से। क्या तरीका है ये, रोको अपने लड़कों को। रोक ले, तुम जाओ। तुम क्या लगता है हम तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करेंगे? तुम यूं हमारा सामान नहीं फेंक सकते हो। गुंडे होगे ना तो अपने लिए होगे, हम शरीफ लोग हैं, हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। छोड़ो उसको, मैं नापाक हाथों से बचूं इन चीजों को। जैसे लोगों को क्या पता घर क्या होता है, घर से मोहब्बत क्या चीज होती है। ए बुढ़िया, ए समझाना अपनी बेटी। इनायत रोके ना इसे, तो शर्म करो, मेरी माँ तुम्हारी माँ की उम्र की है, अंधे हो गए। देखो क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रही, करने दे जो कर रहे हैं, जल्दी करो। कह रहे तो इंसान, इसलिए तुम्हें शरीफ लोगों की इज्जत की फिक्र नहीं है, गंदा खून है तुम्हारे अंदर। क्या बोल रही हो? गंदा खून है मेरा? अच्छा तो हट, बताऊं तुझे गंदा खून क्या होता है? तुम जितना कमजोर मुझे समझते हो ना उतनी मैं हूं नहीं। मैं अपने घर के लिए तुम जैसे आवारा गुंडों से लड़ सकती हूँ। लड़ेगी अमर, लड़ना। बीच में मत आना गली, खेलने दे अपनी बेटी को, मैं भी देखूं इसमें कितना दम है। मार, आ मारना, क्या हुआ? डर गई इनायतली? तूने या किसी ने भी मेरे या मेरे किसी भी लड़के को रोकने की कोशिश की तो ये गया होगी, घर खाली करवा। हेलो तुरा भाई, क्या हुआ माम, तुम रो क्यों रही हो? तुरा भाई आप प्लीज यहाँ आ जाए। अरे क्या मतलब आ जाएं, ऐसे कैसे आ जाएं? तुम लोग तो समझते हो मैं ऑफिस में फारिग बैठा हूँ, कोई काम ही नहीं है मेरा। जल्दी आ जाएं। अब बात क्या है आखिर, और ये शोर किस बात का, आवाज आ रही है मुझे कुछ। अरे क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने लड़कों को लेकर घर में दाखिल हो गए, सारी चीजें उठाकर जबरदस्ती घर खाली करवा रहे हैं ना भाई। क्या मुझे घर पे चाकू रखा है, प्लीज जल्दी आ जाए। मगर महम मैं तो दफ्तर की मीटिंग के सिलसिले में बहुत दूर हूँ, मुझे तो आने में बहुत वक्त लग जाएगा। प्लीज कुछ करे, इनको रोके वरना हम ये बर्बाद कर देंगे। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो महम, हेलो हेलो दूल्हा भाई, दूल्हा भाई आवाज आ, म, 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 हम
आवाज नहीं आ रही। हाँ लो करो।